बागेश्वर जिले के गुरुड़ विकास खंड में गोलू मंदिर के समीप सड़क की सुरक्षा दीवार लगभग 6 माह से क्षतिग्रस्त है। हैरत की बात तो यह है कि कार्यदायी संस्था को शिकायत के बावजूद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार विभाग को इसकी जानकारी दे दी गई है, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। यदि विकासखंड मुख्यालय में सड़कों की स्थिति ऐसी है तो दूर दराज में हालात क्या होंगे, इसका साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं स्थानीय निवासी बलवंत सिंह का कहना है कि गुरुड़ बाजार में गांव को जोड़ने का यह एकमात्र मार्ग है। सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त होने से किसी भी वक्त आवाजाही ठप हो सकती है। इस मामले में DM सुंदर सिंह का कहना है कि विभाग को जानकारी दे दी गई है, जल्द ही सुरक्षा दीवार की मरम्मत कराई जाएगी। क्षतिग्रस्त है, अगर कभी भी टूट सकता है और यातायात बंद होने का खतरा है, और हम विभाग से मांग करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी बनाने की कृपा करें और यातायात भी जो कि सुचारू बना रहे। यहाँ दुर्घटनाएं, एक दो दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं इसमें। रोड ऐसी है, गरुड़ की है, गरुड़ की पूरी मार्केट बिल्कुल बेकार कर दी। सफाई के नाम पे खाली बहाने बन रहे। रोड ऐसी टूटी है, कई लोग यहाँ से नीचे गिर चुके हैं, पूरी दीवार टूट गई, कोई बनाने को राजी नहीं, किसी को देखने को राजी। जबकि ये जो कौसानी गरुड़ मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्ग, इसके पुल से पहले एक दीवार क्षतिग्रस्त है। इसको जो संबंधित विभाग है, जो इसकी कार्यदायी संस्था है, उनको इसके में जो है निर्देशित किया जाएगा कि जनहित में दीवार का निर्माण शीघ्र से शीघ्र कराया जाए।